हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में एक बहुत क्यूट सा पिलो कवर शेयर करूँगी। ये आप एज अ पिलो कवर या आप इसको कुशन कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये घर के में जो भी आपको सामान है ये सब घर पर मिल जाएगा, आपको मार्केट से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अपना पुराना कुर्ती लिया है और इसकी सिलाई मैंने चारों तरफ से ओपन कर ली है। तो अब इसको अच्छे से इसको रख के इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। इसकी लेंथ मैंने 28 सेंटीमीटर ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 16 सेंटीमीटर रखी है। और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप कुशन कवर बना रहे हैं तो उसकी लेंथ और ये आप कम कर सकते हैं। तो मैंने इसका मेज़रमेंट ले लिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। तो ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है और अब हम इसकी लाइनिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने पुरानी शर्ट ली है। आप कोई भी अपना दुपट्टा या कुछ भी कपड़ा ले सकते हैं और उसको कट करके आपका जो कपड़ा है मेन कपड़ा उसके अकॉर्डिंग उसका आप लाइनिंग जो है कट कर सकते हैं। अब ये कपड़ा रख करके हम लाइनिंग कट कर लेंगे और हमें इसके दो पीस चाहिए। तो अब हमारा जो मेन कपड़ा है उसमें हम एक एक इंच के गैप पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, मैंने लाइन ड्रॉ करके इसमें आयरन कर लिया है। तो इस तरह से लाइंस आ जाएंगी। ये देखिए, फ्रंट से और ये इसके बैक साइड से इस तरह की लाइंस आएंगी। अब हम इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ जो आपने आयरन किया है उसी लाइन से आपको हल्का सा स्टिच लगाना है इसमें। तो मैंने जितनी भी मैंने लाइंस बनाई हैं तो मैंने सब में स्टिच कर लिया है। और स्टिच होने के बाद इसका पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा आता है। तो ये देखिए, ये स्टिच हो गया है और इसका पैटर्न इस तरह से आएगा। तो अब मैंने जो कपड़ा दो पीस लाइनिंग काटा था तो उसका एक पार्ट मैं इसमें स्टिच कर दूँगी और दूसरा पार्ट को मैं एज अ बैक कवर यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने कपड़े को रख के और इसमें मैं पहले ज़िप लगाऊँगी। अगर आपके पास ज़िप है तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ आप कुशन को फिल करने के बाद नॉर्मल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अगर आप ज़िप लगा रहे हैं तो आप देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। तो मैंने ज़िप का एक पार्ट को रखा और उसके ऊपर कपड़ा रख करके नॉर्मल सिलाई लगा दिया है। बहुत ही आसान है इसको लगाना। तो ये देखिए, ये हमारा ज़िप लग के रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक रफ़ सिलाई लगाएंगे जिससे कि जो हमारा कपड़ा है वो प्रॉपर जगह पे रहेगा और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अब मैंने इसमें सिलाई लगा दिया है, अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो चारों तरफ से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और एक साइड मैंने इसमें ज़िप लगाई है। मैंने जिस साइड ज़िप लगाई है उस साइड से मैं फिलिंग करूँगी इसमें। और अगर आप ज़िप नहीं लगा रहे हैं तो आप एज़ इट इज़ उसको ओपन छोड़ दीजिए, आप वहाँ से फिलिंग कर सकते हैं। तो जितना भी मैंने रफ सिलाई किया था वो सारा थ्रेड को मैं रिमूव कर रही हूँ। और ये जो अगर आप ज़िप लगा रहे हैं तो उसके एंड पार्ट पे आप एक सिलाई लगा दीजिएगा, तो जिससे क्या होगा कि आपका रनर जो है निकलेगा नहीं, एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बनके हमारा कुशन तैयार हो गया है। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिलिंग में फ़ाइबर का यूज़ किया है और अगर आप चाहें तो आप पुराने कपड़े भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो अब ये हमारी फिलिंग कंप्लीट हो गई है और
अब आप इसको अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ख्याल ज़रूर रखना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।